मोदी लहर और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड से उम्मीद बांधे बैठे भाजपा नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। उनके लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट तक का सफर आसान नहीं होगा। वहीं अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने की संभावना जताई जा रही है। तलबगारों की भीड़ में भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट के पैमाने बताकर स्थिति साफ कर दी है। अब यह साफ हो गया है कि सिर्फ भीड़ जुटाने से टिकट हासिल नहीं होगी। नेताओं को गांव की पगडंडियां माप कर खुद के लिए वोट बैंक तैयार करना पड़ेगा। फूंक फूंक कर कदम रख रही भाजपा एक एक सीट पर तीन तीन बार सर्वे करवाएगी। फिर चाहे पुराने चेहरे बदलने पड़े तो पार्टी हाईकमान को गुरेज नहीं होगा। दिल्ली में भाजपा इस तरह का प्रयास नगर निगम के चुनावों से पहले भी कर चुकी है। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए जोर आजमाई शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में सोलन भाजपा के लिए राजनीति का गढ़ बनने वाला है। अब तक दलित स्वाभिमान सम्मेलन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और उसके ठीक बाद भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन सोलन में शंखनाद कर चुकी हैं। पार्टी हाईकमान ने अगले महीने यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदलने वाले हैं, लेकिन इन हालातों में भाजपा के वो चेहरे भी लगातार सामने आते रहेंगे जो टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व में टिकट के चाहवानों को परखने की इस रणनीति का निचले स्तर तक नेताओं तक असर दिखने लगा है। आला नेताओं के समक्ष शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस से ज्यादा खलबली भाजपा में मची हुई है, जिसका साफ संकेत सोलन में पहुंचे दो केंद्रीय नेताओं के समक्ष नेताओं की भीड़ जुटाने की चाहत ने दे दिया है। बहरहाल भाजपा में जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक चुनाव से ज्यादा नेताओं की दिलचस्पी इसी बात में रहेगी कि वे टिकट के हकदार हैं भी या नहीं। टिकट पाने के लिए नेताओं ने अंदर खाते कसरत भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।